सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020-21 के लिए जो सिलेक्शन लिस्ट हैं वो आजकल आ रही हैं। पहली लिस्ट 11 अगस्त को आई थी, दूसरी लिस्ट आज 24 अगस्त 2020 को आने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन है कि जनरल कैटेगरी या प्राइवेट नौकरी वालों का एडमिशन होता है या नहीं होता है केंद्रीय विद्यालय में। तो ये बहुत सारे लोग जिन्होंने आवेदन किया है जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके बच्चों का नाम जो है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया है, या फिर आया है तो वेटिंग लिस्ट में है और वेटिंग लिस्ट में नाम बहुत नीचे है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जनरल कैटेगरी और प्राइवेट नौकरी वालों का सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, उनको एडमिशन मिलता है तो कैसे मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो मेथड है एडमिशन का क्लास फर्स्ट के लिए वो आपको बताते हैं कि मेथड क्या है, कैसे बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, इसमें जो KVS में रिजर्वेशन, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। RTE कैटेगरी वालों के लिए 25% रिजर्वेशन होता है, यानी 40 में से 10 सीटें रिजर्व होती हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये एक रिजर्वेशन है। इसमें 10 बच्चों का एडमिशन केवल RTE कैटेगरी के अंतर्गत होता है, 40 में से 10 सीटें आप किए गई, रह जाती हैं 30 सीटें, जिसमें से कि ST और SC के लिए भी रिजर्वेशन है। तो SC के लिए 15% रिजर्वेशन है, तो इनकी 6 सीटें हो जाती हैं। फिर आपका ST कैटेगरी रह जाती है, जिसमें से कि आपका 7.5% रिजर्वेशन है, इसमें 3 सीटें रह जाती हैं इनकी। OBC कैटेगरी के लिए 11 सीटें रिजर्व कर रखी हैं। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि एडमिशन का मेथड क्या है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, साथ ही आप OBC कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा सर्विस कैटेगरी प्लस OBC कैटेगरी का। तो इसमें से जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, इन 11 सीटों में से एक सीट उनकी हो जाएगी। इसी तरह SC ST का भी हो जाएगा, लेकिन राइट टू एजुकेशन में जो गरीब बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया जाता है, यानी कि ये जर्नल वाले भी हो सकते हैं या प्राइवेट जॉब वाले भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जॉब वालों को एडमिशन नहीं मिलता है, ये जो RTE कैटेगरी वाला है। तो अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं या प्राइवेट जॉब से हैं, तो आपको 100% इसमें चांसेस ये होते हैं कि प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में 40 सीटों में से 10 सीटें जो रिजर्व होती हैं, तो इनको आप ये समझ सकते हैं कि जर्नल या फिर प्राइवेट जॉब वालों के लिए ही ये सीटें रिजर्व होती हैं। इसमें बस आपका ये होता है कि आप BPL कार्ड धारक हों, या फिर आपका जो RTE कैटेगरी की जो भी शर्तें हैं उनके तहत आप आवेदन करें और उन शर्तों पर आप खरे उतरते हों। तो दोस्तों, इसके बाद SC ST का भी यही नियम होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं और SC ST के अंतर्गत भी आवेदन करना चाहते हैं, तो वो इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, OBC का भी यही इसमें नियम लागू होता है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि जनरल कैटेगरी या जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनका जो एडमिशन, कि किस कैटेगरी में एडमिशन होता है और कैसे उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है। तो दोस्तों, ये kvsonlineadmission.kvs.gov.in की ये वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन है। इसमें कैटेगरी 6 में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है किसी अन्य श्रेणी के बच्चे, जिसमें विदेशियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं, और विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत सूची में कोई भारतीय शेष न हो। तो ये आप देख सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया है, तो अप्लाई करते वक्त अगर आपने जैसे कोई भी कैटेगरी नहीं इसमें डाली है, जैसे कि जनरल कैटेगरी में जो RTE है या फिर OBC है या EWS है, अगर आपने ये सब नहीं सिलेक्ट किया है, तो आप इसमें आप इसकी जो कैटेगरी है, जो इसकी श्रेणी होती है, वो 6ठी श्रेणी में यानी कैटेगरी 6 में आप आते हैं। तो कैटेगरी 6 का रिजल्ट तभी आता है या तो एडमिशन पूरे ना हुए हों, 40 के 40 सीटों पे कुछ सीटें रह रखी हों, और जो बच्चे जो जर्नल या प्राइवेट जॉब वालों के होंगे उनको अगर एडमिशन देना है तो तभी दिया जाएगा जब सीटें खाली रहेंगी। तो ये आपने इंस्ट्रक्शन, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो इंस्ट्रक्शन वाले पेज में आपने ये पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब आप इसको पढ़ लें,
इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों के लिए दे देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ KVS के बारे में थोड़ा सा जो जानकारी है। जो केंद्रीय विद्यालय जो की स्थापना की गई थी, मूल रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेना के जो अधिकारी हैं या जो सेना के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को जो है स्कूली शिक्षा, बेहतर स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए इनको जो है खोला गया था। हालांकि बाद में इसमें कुछ सीटें जो हैं निजी और राज्य सरकार के कर्मचारियों या जो हैं जिन लोग जो आरक्षित हैं, जैसे कि RT वाला हो, RT कैटेगरी हो गई या SC ST या OBC वाले हो गए, इनके लिए भी सीटें आरक्षित कर दी गई। तो मूल रूप से जो KVS जो विद्यालय हैं ये गवर्नमेंट जॉब वालों के बच्चों के लिए ही हैं। तो इसमें अगर आप प्राइवेट से हैं या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें असंभव नहीं है एडमिशन करवाना, लेकिन थोड़ा सा जो बहुत सारी जो हैं इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं बहुत सारे लोग, तो इस वजह से सीटें इसमें मुश्किल हो जाती हैं मिलनी। तो अगर आपने भी अप्लाई किया है तो कैटेगरी 6 में आपका इसमें एडमिशन होगा, और कैटेगरी 6 का जो लिस्ट है या जो सिलेक्शन लिस्ट है वो तभी आएगी जब सीटें इसमें खाली होती हैं। सबसे पहले इसमें RT वालों की जो लिस्ट निकाली जाती है, उसके बाद SC ST OBC वालों का, उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके बच्चों का इसमें एडमिशन की लिस्ट निकाली जाती है, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक हो गए या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनकी लिस्ट। उसके बाद इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बाद जो राज्य के स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होते हैं या उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों का, उसके बाद छठी लिस्ट जो आती है जैसे कि हमने बताया भारतीय जो हैं और उन्हीं के साथ में जो विदेशी हैं जो इंडिया में रहते हैं उनके बच्चों की लिस्ट तब निकाली जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। और बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं पूछ रहे थे कि KVS में एडमिशन होता है या नहीं होता है जनरल कैटेगरी और प्राइवेट नौकरी वालों का, तो एडमिशन होता है या नहीं होता है ये आपने जान लिया है इस वीडियो में। और इसी तरह KVS एडमिशन 2021 से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।